दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूं, जिसमें हम सीख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। आइए देर ना करते हुए शुरू करें और जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद या श्राप आदि का भाव पाया जाता है। मतलब हम किसी के लिए दुआ या बददुआ जब प्रकट करते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। अब हम सीखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए यानी नरेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स। तो रूल नंबर वन ये है कि इन वाक्यों में मे का प्रयोग अधिकांशतः वाक्य के प्रारंभ में होता है। यानी जब भी कभी डायरेक्ट सेंटेंस होगा यानी नरेशन आएगा तो सेंटेंस की जो यानी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होगी वो किससे होगी, मे से स्टार्ट होगी। यहाँ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये क्वेश्चन वर्ड वाला मे है या आगे आ गया तो क्वेश्चन इस सेंटेंस से पूछा जाएगा, बट लेकिन दुआ या बददुआ देने के लिए हम मे का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं। रूल नंबर टू, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सैड या सैड टू के स्थान पर प्रेड, विज्ड, ब्लेस्ड या फिर कर्स्ड आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू आता है तो वहाँ पर हमको फीलिंग के हिसाब से, जैसा रिपोर्टेड स्पीच में फीलिंग होगी उसके हिसाब से प्रेड, विज्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड इन सारे शब्दों का प्रयोग करना होता है। रूल नंबर थ्री, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि कंजंक्शन तो दैट लग जाएगा लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम सॉल्व करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद माइट यानी मे का माइट कर दिया जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अधिकांशतः यहाँ पर पास्ट में होती है। तो चलिए हम एक दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाया जाता है। पहला एग्जाम्पल, माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, मे यू पास विथ फर्स्ट डिवीज़न। मेरे टीचर ने मुझसे क्या कहा कि तुम फर्स्ट डिवीज़न से पास हो। यानी ये क्या हुआ, एक ब्लेस हुई यानी टीचर ने मुझको ब्लेस किया। तो इसका नरेशन क्या बनेगा, माई टीचर ब्लेस्ड मी, सेट टू के स्थान पर ब्लेस्ड मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आ गया। फिर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद माइट यानी आई माइट, आई क्यों आया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो यू है वो ऑब्जेक्ट बदलेगा, ऑब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा जो कि मी है, तो उसका सब्जेक्ट आई होता है। तो सेंटेंस बनेगा आई माइट पास विथ फर्स्ट डिवीज़न। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, माई टीचर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट पास विथ फर्स्ट डिवीज़न। अगला सेंटेंस है, इसमें लिखा है द पीपल सेड मे आवर किंग लिव लॉन्ग, लोगों ने कहा हमारे राजा की आयु लंबी हो। तो इसका पैसिव वॉइस क्या, इसका नरेशन क्या बनेगा, द पीपल विज्ड दैट देयर किंग माइट लिव लॉन्ग, द पीपल विज्ड दैट देयर किंग माइट लिव लॉन्ग। अगला एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन सैड, द ओल्ड मैन सैड मे यू नेवर गेट पीस इन योर माइंड, मतलब कि तुम्हें कभी मन में शांति ना मिले। किसी बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम्हें कभी मन में शांति ना मिले, जीवन भर शांति ना मिले। तो चलिए इसका कैसे बनेगा देखते हैं, द ओल्ड मैन कर्ज्ड, यानी कि ये क्या है, एक बद्दुआ है तो हमें यहाँ पर कर्ज्ड का इस्तेमाल करना है। द ओल्ड मैन कर्ज्ड दैट आई माइट नेवर गेट पीस इन माई लाइफ, द ओल्ड मैन कर्ज्ड दैट आई माइट नेवर गेट पीस इन माई लाइफ। चलिए यहाँ पर हमने आज सीख लिए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस और ये नरेशन के लास्ट ऑप्शन सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ से नरेशन हमारा कंप्लीट होता है और इन सारे वीडियोस में मैंने कोशिश की है कि आपको नरेशन को एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाऊं, ताकि आप आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठो या बोर्ड एग्ज़ाम में बैठो तो इनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको। चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और अगर किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर करके बताना मुझको। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।